तो आज हम लेने जा रहे हैं अपनी फॉर्च्यून लेजेंडर को। आपने वो गाड़ी तो देखी होगी जो 50 लाख की आती है, लेकिन उसमें फीचर नहीं होते हैं, लेकिन उसमें लुक्स ही लुक्स हैं, तो मुझे उससे ही काम चलाना है। तो बैठते हैं अपनी महिंद्रा थार में, ऑफ रोडिंग किंग वाली गाड़ी में, और चलते हैं अपनी फॉर्च्यून लेजेंडर को लेने। लेकिन मुझे अपनी फॉर्च्यून लेजेंडर को लेना है, बहुत दूर जाना होगा, जिसमें मेरी गाड़ी का पेट्रोल बहुत खर्च हो जाएगा, और पेट्रोल तो पता ही है कितना महंगा हो रहा है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, 50 लाख के साथ कम से कम 2-3 हज़ार का पेट्रोल ही पड़ जाएगा मेरा। तो हमें ब्रिज क्रॉस करके जाना है अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर को लेना है। चलो चलते हैं। और मैंने सुना है कि वहाँ पे चोर लोग भी बहुत आते हैं जो कि गाड़ियाँ चुरा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि वहाँ पे अगर कोई पार्किंग हुई तो मैं वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दूँगा, नहीं तो वहीं अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ मैं अपनी थार को भगाते भगाते आ जाता हूँ जगह पे। वो जो बिल्डिंग दिख रही है सफ़ेद कलर की, वही है जहाँ पे फॉर्च्यून लेजेंडर मिलने वाली है। तो चलते हैं वहाँ पे जल्दी से, बस यहाँ में एक गाड़ी ना छुड़ जाए। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को करते हैं पार्क। अरे ये मेरी गाड़ी ठुक गई थोड़ी सी। यहाँ अपनी गाड़ी को करते हैं पार्क और चलते हैं अपनी गाड़ी को लेने। तो यहाँ पे हमारी फॉर्च्यूनर मिलेगी हमें, लेकिन यहाँ पे मुझे बताया है ओनर ने कि यहाँ पे चोर लोग बहुत आते हैं, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने जानी है, यहाँ से कम 1-2 किलोमीटर दूर है जो कि। चलते हैं वहाँ पे भी और अपनी गाड़ी खड़ी करके आते हैं। तो ये हम आ गए हैं पार्किंग पे, बस अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और ऊपर चढ़ना है। लेकिन ये सोच कर घबराऊँ कि इतनी दूर हम पैदल चल के कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो कोई टैक्सी वाला भी नहीं आता है इसलिए। और यहाँ पे मेरी थार थोड़ी सी ठुक गई थी, लेकिन मेरी थार बहुत मजबूत है, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ जो आती है। तो गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो अब चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर ड्रीम कार को लेने। और वहाँ मैंने देखा बहुत तेज़ रोशनी आ रही है, देखते हैं वहाँ पे क्या गाड़ी है वहाँ ऐसी, देखते हैं। अरे ये तो टैक्सी लग रही है, देखा कोई है तो नहीं। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं, एक काम करता हूँ उठा लेता हूँ चुपके से और जल्दी से भगा के ले जाता हूँ अपनी गाड़ी को। करन सलामा लोकी जाके हाथ पुड़े, 18-18 रूबी कौना मरका आले जट पुड़े। तो निकलते हैं गाड़ी से और गाना बंद करते हैं और चलते अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर को लेने। तो आप सब देख के हैरान हो जाएंगे कि मैंने सब कौन सा कलर कराया है, नार्डो ग्रे कलर। आपने देखा ही होगा एल्विस यादव को, वो जब मेरे गांव में आए थे तब मैंने देखा था कि उनकी गाड़ी का कलर बहुत अच्छा लग रहा था, और तभी मैंने ये कलर करवा लिया। बहुत महंगा पड़ा ये भी, 30-40 लाख का कलर पड़ा ये। तो चलते हैं अपनी गाड़ी को भगाते हुए। मारन की बात करे तेरे यार के, ओ कात बार रे छोरा राव साहब के, मजाक थोड़ी है रे जोन सा बीमार है, बेटा हाथ लावेगा साला पछतावेगा ना सुखी पावेगा। यहाँ पे जब मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए लाया था तब मुझे पता है कि मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, और पता नहीं क्या होगा, ये मेरी गाड़ी बहुत ठुकते ठुकाते जा रही है, ब्रेक फेल हो गई है और एक्सलेटर से पैर हट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों एक्सीटर दबता ही जा रहा है ये। मैं पैर हटा भी रखा है लेकिन तब भी गाड़ी भागती ही जा रही है, अब मैं क्या करूं इसमें, देखते हैं आगे। और ये आगे डिवाइडर, अरे बहुत तेज ठुकी है गाड़ी मेरी, 50 लाख का नुकसान हो ही गया होगा। देखते हैं बाहर निकल के और देखते हैं क्या हुआ है गाड़ी को, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं होगा। चलो गाड़ी को उतना कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी गाड़ी पूरी बेकार हो गई, इंजन बंद हो गया। अब मैं अपनी गाड़ी को कहीं रख के आ गया हूँ, तभी मैंने टैक्सी को बुलाया अपनी ब्लैक वाली थार लेने के लिए। चलते हैं, इस टैक्सी में दोबारा से लगता है कोई नहीं बैठा है, पता नहीं क्या है ये। चलो बैठते हैं इस टैक्सी में
और चलते हैं अपनी ब्लैक वाली थार को लेने के लिए। मारण की बात करे तेरे यार के, ओ कात बार रे छोरा राव साहब के, मजाक थोड़ी है रे जोन सा भी मारे बेटा हाथ लावेगा साला। और यहाँ पे मैं अपनी थार को लेके आ जाता हूँ ब्लैक वाली। तो मैं सोचा चलो ऑफ रोडिंग करने चलते हैं। यहीं से ही मैं राइट का इंडिकेटर देख के मुड़ जाता हूँ ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो चलो गाना बजा लेते हैं थोड़ी देर के लिए अपना। सूरज चढ़ते आ जाते ते चंद चढ़ के मुड़ते हो, कौन हुंदे आ नाल तेरे सा जिन्ना बिन नहीं लैंदा वे। देख के गड्डियां वड्डियां वड्डियां मेरियां टर्न फ्रेंडा वे, ओ यार बिठा के टायर पवा के फ्यूल फूकदा रहंदा वे। देख के गड्डियां वड्डियां वड्डियां मेरियां टर्न फ्रेंडा वे, ओ यार बिठा के टायर पवा के फ्यूल फूकदा रहंदा वे। ओ बिल्लियां अखां वाल सुनहरी पौंदी पैसे। तो यहां पे मैं गाड़ी से निकल जाता हूं और यहां पे मुझे एक बहुत चौंकाने वाली चीज देखी है जो कि पार्ट टू में दिखाएंगे। आप उसकी बस छोटी सी एक झलक देखिएगा। आपको क्या दिख रहा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं अगले पार्ट में।